गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू पार्ट इन चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लेम। सो एज यू कैन सी वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट for long on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature, but if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if wood is heated a little, it would still not catch fire. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than the wood? Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activity show that it is essential for substance to reach ignition temperature to burn. तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसमें कुछ भी समझे उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इग्निशन टेम्परेचर का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, जैसे हम इंसान अगर किसी गर्म चीज को अगर हाथ लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो जल जाती है। ओके, जैसे कि मानो कि मम्मी ने भी आपके कुछ खाना बनाया, गरम गरम खाना बनाया, आप उस बर्तन को अगर छूते हो तो उस बर्तन का जो टेम्परेचर है, क्योंकि वो गरम है अभी खाना, उसका टेम्परेचर आपके स्किन जो सह सकती है एक टेम्परेचर, उससे ज़्यादा है। आप जैसे ही उसे हाथ लगाओगे आपका स्किन जल जाएगा, स्किन बर्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हर चीज का एक लेवल होता है जलने का। कि मान लो लकड़ी है और केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल में अगर चिंगारी लगेगी और वो चिंगारी का अगर जो इग्निशन, जो उसका जो टेम्परेचर होगा आग, जैसे कि अगर उसको हम एक फ्राई पैन पे डालेंगे केरोसिन को और उसको गैस पर रखेंगे, वो तुरंत फायर कैच करेगा, बिकॉज केरोसिन बहुत ही कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का मतलब होता है जो बहुत ही इजीली आग को पकड़ ले। लकड़ी जो है, लकड़ी को आपको कुछ टाइम तक आग में रखना पड़ेगा, जैसे कि लाइक 30 seconds, 1 minute और 2 minutes, जैसा लकड़ी, जितना बड़ा लकड़ी है जो उसकी साइज होगी उसके हिसाब से आपको उसको रखना पड़ेगा। जबकि केरोसिन को विद इन फ्यू सेकेंड्स वो बर्न हो जाएगा अगर आप उसको स्टोव पर रखोगे तो। ओके, तो हर चीज का एक टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर पे जाके वो जल जाता है। इवन हर चीज जलता है स्टूडेंट्स, हर चीज, आई रिपीट, हर चीज इस वर्ल्ड में जल सकती है एक टेम्परेचर के बाद। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, कॉशन, वी केयरफुली वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल मेक 2 paper cups बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. Okay. देखो students, अब यहाँ पर हमने एक्टिविटी की है कि हमने दो कैंडल ले लिया है और इन दो कैंडल्स में से एक के ऊपर हम, जैसे हमने दोनों में देखो यहाँ पे कोन बनाया पेपर से, लेकिन इसमें हमने थोड़ा पानी ले लिया है और ये एकदम खाली है। जिसमें पानी है students, पहले वो पानी थोड़ा गर्म होगा उसके बाद ही जलेगा, और जो खाली वाला है वो विद इन कुछ सेकेंड्स ही जल जाएगा, मतलब इसको थोड़ा टाइम लगेगा जबकि ये तुरंत जल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो मतलब जो लेवल है टेम्परेचर का, इग्निशन टेम्परेचर है, वो बहुत ही ज़्यादा है और इसका बहुत ही कम है, इसके वजह से ये तुरंत फायर पकड़ रहा है और ये टाइम लगा रहा है। व्हाट हैपेंड टू द एम्प्टी पेपर कप, वॉट हैपन्स टू द पेपर कप विथ वाटर, डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? यस, वो गर्म होगा और फिर वो जल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि ये बच जाएगा, लेकिन ये टाइम लगेगा, इसको उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जब तक वो अपने टेम्परेचर तक नहीं पहुँचेगा, एक हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। जैसे कि एक पेपर अगर आप लेते हो तो आप उसे एक लिमिटेड टाइम तक ही फोल्ड कर सकते हो, जैसे कि 5 times, 6 times, अगर जैसा भी पेपर है उसके हिसाब से आप उतना फोल्ड कर सकते हो। लकड़ी है, उसे 1 minute, 2 minute आप गर्म करोगे तो ऑटोमेटिक जल जाएगा। अगर पानी है तो वो
2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। फूड है तो वो 10 मिनट 15 मिनट में पक जाएगा। तो हर चीज़ का ना एक लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस होते ही वो अपना शुरू हो जाता है गर्म होना, फिर वो पकना, वैसा होता है एश्योरेंस। ओके, इफ वी कंटिन्यू हीट द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? तो स्टूडेंट्स, पानी जो है यानी कि वाटर, वाटर फायर का रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंस करता है उसके सामने। मतलब वो अगर आपको समझ लो किसी के घर में या किसी के ऑफिस में अगर आग लग गई, तो आप वहाँ पर कंबल या फिर पानी, किसी को अगर बचाना है तो आप इन दो चीज़ों का ही सहारा ले सकते हो। आग को अगर बुझाना है तो आप पानी अगर उस पर डालोगे तो वो आग बुझ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पानी बॉयल इसलिए इसमें आग नहीं लग रही है क्योंकि पानी जो है उसके सामने रेसिस्ट करता है। तो पहले पानी बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद फिर वो उसे पेपर को जलने के लिए छोड़ेगा। फिर है द हीट सप्लाइज टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, हेंस इट डज नॉट बर्न। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ अ फ्लेम वर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज? स्टूडेंट्स, पानी उस कप में है तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है पानी के वजह से कम हो जाता है, और कम होने की वजह से आग को यानी कि फायर को ज़्यादा टाइम लगता है उसे बर्न करने में। ओके, और जिन चीज़ों को बहुत ही लो यानी कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो यानी कि क्विकली फायर को पकड़ लेते हैं चीज़ें, उन्हें कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और इनका बेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG। इसमें स्टूडेंट्स आप CNG गैस भी लिख सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं यानी लिक्विड या ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो जो कि मतलब बहुत ही इजीली फायर कैच करते हैं। इनके पीछे मेन वजह होती है कार्बन, इनमें कार्बन की मात्रा बहुत होती है स्टूडेंट्स। तो वो आप आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगा। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको गूगल अप करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद गूगल अप करके पता करना है कि कौन सा नंबर है आपके फायर स्टेशन का। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, कभी भी अगर किसी के घर पे, किसी की दुकान में या किसी भी फैक्ट्री में आग लगती है, ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? और क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है अपने आंखों से? अगर देखा है तो आपको शेयर करना चाहिए। Now, does your city town have a fire brigade station? When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. मतलब स्टूडेंट्स, कहीं पर अगर आग लगी है, फायर ब्रिगेड आती है, वो पानी डालती है, तो इसका क्या वजह है स्टूडेंट्स? इसके सिर्फ एक वजह है कि पानी डालने से जो चीज़ वहाँ पर जल रही है उसका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जलने की जो एक टाइम है वो, मतलब जो जलने का उसका जो एक लेवल है वो कम हो जाता है पानी गिरते ही उस पर, तो उससे आग लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब वो फिर जो फायर पकड़ा हुआ है वो फायर आगे बढ़ नहीं पाता है और इसकी वजह से वो आग बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कम्बस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर।
और आग को जलने के लिए एक जो मेन कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन। जितना उसे ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि हवा, हवा जितनी उसे मिलेगी उतना ज़्यादा वो जलेगा। तो पानी गिरने से वो उस ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको एयर सप्लाई जो है वहाँ पर आप काट सकते हो पानी डाल के। तो सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप ऑन दिस पॉइंट एंड फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यू हैव लर्न दैट देयर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो टिल द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।